नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। राजनीति दो शब्दों का मेल है, राजनीति। राजनीति मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय, उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। और यह कला कहलगांव विधानसभा के वर्तमान विधायक सदानंद सिंह बखूबी जानते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 53 साल के राजनीति सफर में 9 बार विधायक रह चुके हैं। सदानंद सिंह बिहार सरकार में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सन 1967 में कांग्रेस का दामन थाम राजनीति की शुरुआत करने वाले सदानंद सिंह सन 1968 में जिला कांग्रेस के महामंत्री बने। 1969 में सीपीआई के विधायक नागो सिंह को पराजित कर कांग्रेस के विधायक बने थे। 1969 से लेकर 1990 तक लगातार विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 1990 और 1995 में बाजी पलटी और महेश मंडल से चुनाव हार गए। सन 2000 में महेश मंडल को हराकर फिर विधायक बने और उस समय राजद के साथ कांग्रेस गठबंधन में विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। 2005 में जदयू उम्मीदवार अजय मंडल, जो वर्तमान में भागलपुर के सांसद हैं, उनसे चुनाव हार गए थे। खैर, यह थी सदानंद सिंह की राजनीति सफर। सदानंद सिंह 2015 का चुनाव अपने पुत्र शुभानंद मुकेश को लड़ाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सदानंद सिंह को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आखिरकार वो स्वयं चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिलहाल सदानंद सिंह की उम्र तकरीबन 77 वर्ष है और वह राजनीति विरासत अपने इकलौते पुत्र शुभानंद मुकेश को सौंपने की तैयारी में है। शुभानंद मुकेश पेशे से इंजीनियर हैं और अभी टाटा स्टील में तकरीबन 20 साल से जमशेदपुर में कार्यरत हैं और आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सिल्क टीवी, सिल्क नगरी में आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में, और इस वार्तालाप के लिए सिल्क टीवी का आभार। सर, आप पेशे से इंजीनियर हैं और राजनीति में आने का यह फैसला, यस, आपका या फिर आपके पिता सदानंद सिंह जी का? देखिए, फैसला मेरा ही है और पिता हमारे गुरु के तौर पे हैं और वो मेंटर हैं मेरे। और इस मामले में मैं बताना चाहूँगा, 2010 में जब उनकी चुनाव की तैयारी चल रही थी, उस दौरान मैं उनके साथ प्रबंधन में जुड़ा और कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया। और 2010 में राहुल गांधी जी की एक रैली कहलगांव एनटीपीसी के ग्राउंड में करवाने का जिम्मा मुझे दिया गया था, मैं करवाया भी। और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जिम्मा है, इतना ठीक है आप विधायक बनते हैं, लेकिन लोगों का अटूट विश्वास होता है। और 2015 में भी मैंने उस चुनाव में लगा, तो एक अदने कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर मैं लगा रहा। और इसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, 20 साल मेरी नौकरी हो चुकी है, अपने लिए मैं जी चुका हूँ, अब कुछ कहलगांव के देवमयी जनता के लिए जीऊँ, उनके सुख दुख को बाँट सकूँ, ये मेरी मुझे प्रेरणा देगी। सर, अगर सदानंद सिंह जी के राजनीति सफ़र पर नज़र डालें तो वो सफल रहे हैं, और ख़ासकर सफल रहने के साथ साथ वो वहाँ के जनता, क्षेत्र की जो जनता है, उनका भरोसा विश्वास जीतते आए हैं। आपके लिए सर, ये कितना आसान होगा या फिर कितना मुश्किल होगा? सिक्के के दो पहलू हैं। आसान तो नहीं है, और इसलिए आसान नहीं है कि उन्होंने इतने बड़े कद के नेता के साथ, उनके साथ, उनके विश्वास के साथ काम किया है। तो मुझे उस जो उन्होंने एक रेखा खींची है, उस रेखा को समी पाने में समय लगेगा, लेकिन ये विश्वास इतना है कि अगर पिता के दिशा निर्देश पर मैं चला, मेरे गुरु और मेंटर के दिशा निर्देश पर चला, तो वो मैं आसानी से कर लूँगा। सर, सूबे में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में राजनीति जो है, चुनावी सुगबुगाहट है, बिहार विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज़ हो गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से सर कोई घोषणा नहीं की गई है कि चुनाव कब होंगे या नहीं होने हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, इस तरह का जो माहौल है, कोरोना का काल है, ऐसे में चुनाव होना कहाँ तक सही है? देखिए, कोरोना एक भीषण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, लेकिन इसका इलाज अभी तक निकला नहीं है, और इलाज नहीं है तो इसी परिस्थिति में आपको जीना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका जैसा विकसित देश अपने राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, तो
तो बिहार तो भी बहुत छोटा है और उस कंपैरिजन में तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ों को पर अभी रोक या किस तरह की करनी चाहिए। लोगों का बहुत अपेक्षाएं हैं, नई सरकार नई उम्मीदें हैं और इस उम्मीद को और 6 महीने धकेलना, ये मैं समझता हूं बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सर युवा हैं, खासकर आपका तो अनुभव रहा है, आपके पिता के साथ आप काम किए हैं और तो एक लंबा अनुभव तो नहीं कर सकते लेकिन अनुभव रहा है, लेकिन सर युवाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? युवाओं की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो युवा आज के हैं वो कल का भी इंतज़ार नहीं कर सकते। आज अगर उनको चाहिए नई चीज़ें, नई सड़कें, नई शहर, नई सारी चीज़ नहीं चाहिए तो उस जोश के लिए उतना ही जोशीला आदमी भी काम करने वाला होना चाहिए। तो ये काम करने की जो नई शैली अगर युवा लाना चाहते हैं, और हो भी रहा है, आप अमूमन सर हर विकसित देशों में आप देख लेंगे कि युवा बहुत तेज़ी से राजनीति में आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, युवाओं को एक और सलाह होनी चाहिए कि वो संयम बरतें, क्योंकि इस राजनीति में अगर आप थोड़ा सा संयम नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलने वाली हैं वो छूट जाएगी। सर अगर कहें तो आपके पिता के जो विरासत हैं राजनीति, उसको बढ़ाते हुए अगर आप अपने क्षेत्र से जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी? प्राथमिकताएं बहुत हैं, लेकिन 3 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। एक तो कहलगांव शहर को मैं कैसे पर्यटक स्थल बना पाऊं, क्योंकि ये उत्तर वाहिनी गंगा का सबसे बड़ा हमारा तट है और इसके बीच में एक अद्भुत संगम है कि 3 पर्वत हैं, उसमें एक मैं मंदिर भी बना हुआ, इसमें अगर किसी तरह से रोपवे बन जाए और इसको हम पर्यटक स्थल के तौर पर अगर विकसित कर लें तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सोच है कि इसको हम मुझे प्राथमिकता देनी है। दूसरी है महिलाओं को कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट जो गुजरात में है लिज्जत पापड़ द्वारा किया गया है, जहाँ पर महिलाएं हर दिन 2 घंटे 3 घंटे काम करके कुछ अर्जित धन अर्जित कर लेती हैं, 100 रुपये कमा लेती हैं, 150 रुपये कमा लेती हैं पापड़ बेल के, तो उस तरह का यहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो एक पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी, उनकी बेटी आगे बढ़ जाएगी, बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरा युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए अवसर कम हो गए हैं ये मैं मानता हूं, तो उसके लिए किस तरह से स्किल मैपिंग करा सकूं, अगर कि कुछ लड़कों को मैं अपने तरफ से उसको आगे बढ़ा सकूँ। मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो इंडस्ट्रीज लगा के भारत के विभिन्न राज्यों में उनके जगह उनको प्लेस करा सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। सर विरासत में मिली राजनीति को अक्सर लोग वंशवाद के नज़र से देखते हैं और यह तो सर आपके ऊपर कायदे से लागू होता है। वंशवाद अब आज के दौर में हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो वंशवाद के नाम से या छूती है, सारी पार्टियों में इस तरह की बातें हैं और मैं इस पे बहुत विश्वास नहीं करता हूँ, ये बात कोरी मुझे लगती है। अगर एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर अमेरिका जैसा विकसित देश जहाँ पर 41वें प्रधान राष्ट्रपति आपके जॉर्ज बुश सीनियर हो जाते हैं और 43वें एक के बाद उनके बेटे जॉर्ज बुश जूनियर वहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, तो क्या वहाँ वंशवाद था? तो ये मैं नहीं मानता। एक उदाहरण और है कि मछली अपने बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाती। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है, एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है, तो हमारे लिए भी उतना ही सुगम है, उतना ही आसान है। और क्योंकि माहौल में पले बड़े हैं तो इसलिए थोड़ी सहजता हम लोग के साथ होती है और मैं नहीं समझता हूँ जीत के तो जनता ही जिताएगी, उसमें वंशवाद थोड़ो आता है। सर कम समय में आपका हम जवाब चाहेंगे कि आपके जो क्षेत्र की जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहलगांव की देवमयी जनता से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि
कि इस विश्वास के साथ कि अगर मैंने 20 साल नौकरी की है, अनुभव है, तो मेरे साथ दो तीन ऐसे आपको बता सकता हूँ कि एक तो पिता का आशीर्वाद है जो 50 वर्षों से आपकी सेवा में थे और उनका अनुभव मेरे साथ है। मैं अपने कार्य करने के अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं 21,000 फीट तक गया, चढ़ा, लेह लद्दाख की चोटियों पर मैं चढ़ा हूँ। मुझे सुशील मोदी जी ने बुला के प्रोत्साहित किया था, तो कहलगांव की जनता का नाम आगे बढ़ाया है, गौरव दिया है। कहलगांव को वो गौरव दिलाऊंगा कि काम करके जो विकसित एक विधानसभा हो, उसमें उत्कृष्ट कहलगांव हो, उसकी उसकी लालसा है मुझे और मैं उस को करने के लिए तत्पर हूँ। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे कहलगांव विधानसभा के वर्तमान विधायक सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश, जो कि राजनीति को सफ़र के आगाज़ पे हैं और अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। शुभानंद मुकेश जी का सफ़र कैसा रहता है, नहीं रहता है, ये तो समय ही वक्त ही बताएगा। बहरहाल, शुभानंद मुकेश जी से अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली बार जब भी साक्षात्कार के लिए मैं शुभानंद मुकेश जी के पास आऊँगा या फिर वो स्टूडियो आते हैं तो आपका सवाल हम ज़रूर रखेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।